अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ठीक हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई, बगैर मौसम के बारिश शुरू हो गई है, तो वो हिसाब से चलो हमने सोचा कि आज फ़िश फ्राई करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ फ़िश मंगाई थी 2-2.5 किलो के अराउंड, और देखिए हम इसे इसके अंदर मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। इसमें अदरक लहसुन भी डाला हुआ है और इसको हम छोड़ देंगे 20-25 मिनट के लिए। मैंने मौसम की क्लिप भी आपके लिए शूट की थी लेकिन वो मेरे से डिलीट हो गई और मैं आपको नहीं दिखा पाई, नहीं तो मैं आपको बारिश के जो बारिश हो रही थी और पूरा कोहरा हो गया था हमारे तब, तो उसकी क्लिप भी मैंने आपके लिए उसकी क्लिप मेरे से डिलीट हो गई। मैंने शूट किया था आपके साथ शेयर करने के लिए पर मेरे से डिलीट हो गई। और देखिए इस तरह से हम लोग ने इसे मिक्स कर दिए है और अभी इसे हम थोड़ा 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे और हमने तेल भी हमारा भी रखना है बॉयलिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा तेल भी बॉयल हो चुका, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग हमारी फ़िश फ्राई करेंगे। देख सकते हो आपकी किस तरह से फ़िश फ्राई हो रही है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो उसकी वजह से एकदम स्लो स्लो इसको डालना पड़ रहा था और हिलाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर ज़रा सा भी तेल ऊपर उठ जाता तो बहुत मतलब मुंह पर उठ जाता है, हाथ पर उठ जाता। देख सकते हो आप इस तरह से हमारी फ़िश फ्राई हो रही है। हमने फ्लेम को लो कर दिया है इस तरह से और अच्छे से फ्राई हो गई थी और मसाला भी बहुत अच्छा है, ये टेस्ट बहुत अच्छा है इस मसाले का। और ये देखिए अजीब और अनाबे को चाहिए थे नूडल, तो इधर एक तरफ साइड पर नूडल बन रहे थे तो इस तरह से। चलिए अजीब आपसे बात करेंगे अनाबिया। अनाबे क्या खा रहे हैं? नूडल्स खा रहे हो? अरिब क्या खा रहे हैं? और फिर उसके बाद हम लोग ने खमन भी बनाया था, तो एक साइड पे खमन भी हो रहा था क्योंकि 3 बर्नर का गैस है तो उसके ऊपर इजीली सब फटाफट हो जाता है। तो देखिए हमारा खमन भी तैयार हो गया और कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बना है। तो इस तरह से हमारा खमन भी तैयार हो गया था तो हमने सोचे थे चलो खमन भी बनाएंगे, तो इसलिए आज खमन भी बनाए थे, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हूँ। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।